नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम सी राजेंद्र अरोड़ा है। दोस्तों, आज हम जीएसटी में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक पर डिस्कशन करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कंपलसरी रजिस्ट्रेशन की और रजिस्ट्रेशन के तीनों प्रोविजंस की, सेक्शन 22, 23, 24 ऑफ सीजीएसटी एक्ट। दोस्तों, 22 जो है वो एक जनरल प्रोविजन है विच इज टॉकिंग अबाउट द थ्रेश होल्ड, दैट ऑन अ पर्टिकुलर थ्रेश होल्ड दैट इज 20 लाख आपको रजिस्ट्रेशन की जरूरत है फ्रॉम वेयर यू मेक ए टैक्सेबल सप्लाई। 23 जो है वो दैट टॉक्स अबाउट क्या आपको एग्जेम्पशन फ्रॉम रजिस्ट्रेशन कब है, आपको रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है अगर आप एक्सक्लूसिवली एग्जेम्प्ट गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई करते हैं या एग्रीकल्चरिस्ट है, आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट, आपको रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। 24 जो है वो कुछ इंस्टांसिस को लिस्ट आउट करता है जिसके अंतर्गत आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट है। यहां पर हम 22, 23, 24 के आपसी संबंध को कुछ डिफरेंट एग्जाम्पल्स के साथ भी समझेंगे और कुछ और बातें भी इसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों, जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर एक पर्सन की जो टर्नओवर है, एग्रीगेट टर्नओवर है, वो 18 लाख रुपए है, तो सेक्शन 22 गिव्स हिम द रिलीफ फॉर नॉट टेकिंग एनी रजिस्ट्रेशन। बट इफ दिस टर्नओवर एक्सीड्स टू रीचेस टू 28 लाख, 30 लाख फॉर एग्जाम्पल, और वो 30 लाख की टर्नओवर जो है एक्सक्लूसिवली एग्जिम्प्ट गुड्स और सर्विसेज की है, देन सेक्शन 23 कम्स फॉर द रेस्क्यू और वो उसको सेव करता है फ्रॉम टेकिंग एनी रजिस्ट्रेशन, क्योंकि उसकी एक्सक्लूसिव टर्नओवर 28 लाख की एग्जिम्प्ट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की है। अगर अब यहां पर क्वेश्चन ये आता है, 24 जो बात करता है वो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन की बात करता है कि आपको कब कंपलसरी रजिस्ट्रेशन चाहिए। क्वेश्चन ये आता है कि क्या 24, 23 और 22 और 23 को ओवरराइड करता है। जब हम 24 की लैंग्वेज पढ़ते हैं तो इट स्टार्ट्स विद नॉट विदस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सेक्शन 22 सबसेक्शन 1। इसका मतलब ये हो गया कि सेक्शन 24 क्लियरली सेज दैट इट ओवरराइड्स 22, बट वेदर इट ओवरराइड्स 23 ऑल्सो और नॉट, दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टू अंडरस्टैंड, क्योंकि 24 में लिखा है कि यहां पर आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन चाहिए, लेकिन 23 में लिखा है कि यहां रजिस्ट्रेशन आपको चाहिए ही नहीं। अब अगर एक स्पेसिफिक, मान लीजिए एग्जेम्प्ट सप्लाई मैं कर रहा हूं, इंटरस्टेट एग्जेम्प्ट सप्लाई कर रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल 24 में लिखा है कि इंटरस्टेट एग्जेम्प्ट इंटरस्टेट टैक्सेबल सप्लाई जो है वो टैक्सेबल है, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन चाहिए आपको वहां पर, और 23 कहता है कि अगर आप एग्जेम्प्ट सप्लाईज करते हैं एक्सक्लूसिवली, चाहे वो इंटरस्टेट है चाहे वो इंट्रास्टेट है, आपको रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो 24 प्रिवेल करेगा या 23, ये देखने वाली बात है। उससे पहले हम दो तीन इंस्टांसिस को समझते हैं जहां पर 24 में कंपलसरी रजिस्ट्रेशन से रिलैक्सेशन है। एक जॉब वर्कर जो कि इंटरेस्टेड सप्लाई कर रहा है अपने प्रिंसिपल मैन्युफैक्चरर को, रजिस्टर्ड पर्सन जो है उसका, रेसिपिएंट जो है उसका रजिस्टर्ड है, तो नोटिफिकेशन 7/2017 के अनुसार उसको ही डजंट रिक्वायर कंपलसरी रजिस्ट्रेशन, इवन इफ ही इज मेकिंग इंटरेस्टेड सप्लाई, ही डजंट रिक्वायर कंपलसरी रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 24। Then the person who is dealing in handicraft goods, if he is making interstate supply, again notification 8/17 IGST gives him the relief for not taking any registration under section 24. Then there is another important notification, that is 10/2017 IGST, which talks about interstate supply of taxable services. For example, a chartered accountant is sitting in Himachal Pradesh and supplying services to a person in Haryana. इंटरेस्टेड सप्लाई ऑफ सर्विसेज हो गई अप टू 20 लाख, इफ ही डज सो ही डज नॉट रिक्वायर एनी रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 24, इवन इफ ही इज मेकिंग इंटरेस्टेड सप्लाई ऑफ सर्विसेज। 24 सेज इंटरेस्टेड सप्लाई ऑफ सर्विसेज कंपलसरी रजिस्ट्रेशन, बट दिस एग्जेम्पशन ऑफ इंटरेस्टेड सप्लाई ऑफ सर्विसेज ओनली टॉक्स अबाउट इंटरेस्टेड सप्लाई ऑफ सर्विसेज, माई डियर फ्रेंड्स, इट्स नॉट गिविंग एक्सटेंशन ऑफ बेनिफिट टू द गुड्स। मतलब ये हुआ कि अगर आप इंटरेस्टेड सप्लाई ऑफ गुड्स 1 रुपए का भी करते हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन 24 में लेना है। अब अगला सवाल, कुछ दो एग्जांपल्स और हमने लिए हैं, यहां पर 24 में लिखा है इंटरेस्टेड टैक्सेबल सप्लाई। अब इंटरेस्टेड टैक्सेबल सप्लाई जैसे ही पढ़ते हैं हम, तो कहीं कहीं हमारे दिमाग में आता है कि इंटरेस्टेड टैक्सेबल सप्लाई इनवर्ड एज वेल एज आउटवर्ड। इट मींस इफ आई टेक इनवर्ड सप्लाई इंटरेस्टेड, आई एम अनरजिस्टर्ड पर्सन, आई एम सिटिंग इन दिल्ली, I buy from Gurgaon, Haryana, that is interstate taxable inward supply. Do I require to take registration even if my turnover is less than 20 lakh? I do not make any interstate otherwise outward supply. To our understanding, it says making interstate taxable supply, 24 says.
इट मीन्स मेकिंग इंटरेस्टेड टैक्सेबल सप्लाई मीन्स व्हेन यू आर मेकिंग आउटवर्ड सप्लाई, व्हेन यू आर गिव डूइंग सेल, व्हेन यू आर डूइंग आउटवर्ड सप्लाई. सो टू आवर अंडरस्टैंडिंग व्हेन यू टेक इनवर्ड सप्लाई इंटरेस्टेड सप्लाई यू डो नॉट रिक्वायर टू टेक रजिस्ट्रेशन कंपल्सरिली अंडर सेक्शन 24. अनदर एग्जाम्पल, व्हेन यू मेक सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इंटरेस्टेड सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, एंड यू मेक इंटरेस्टेड सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच आर एग्जेम्प्ट. Now, same question which we were talking about earlier, whether section 23 applies or 24 applies, which would prevail now? Because 24 ये कहता है कि अगर interested supply of services or goods हैं, तो आपको registration चाहिए. लेकिन 23 कहता है कि अगर आप exempt supply of goods and services हैं, तो आपको registration नहीं चाहिए. मैं आपको यहाँ पर ध्यान दिलाना चाहूँगा दोस्तों, section 23 subsection 2 में वहां पर लिखा है कि अगर कोई गवर्नमेंट चाहेगी तो कोई भी क्लास ऑफ पर्सन्स को एग्जेम्प्ट कर सकती है कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेने से, और यहां पर ऐसा गवर्नमेंट ने किया भी है. इसका मतलब यह हो गया है कि 23(2) गिव्स द पावर टू सेक्शन 23 टू ओवरराइड सेक्शन 24 इफ एनीथिंग इज स्पेसिफिकली मेंशन्ड थ्रू ए नोटिफिकेशन, देन इट ओवरराइड्स एवरी अदर सेक्शन ऑफ द लॉ. इट मीन सेक्शन 23 वुड प्रिवेल in case of contradiction between 23 and 24. So, in nutshell, 23 would prevail over 24 in case of contradiction. My dear friends, this is all about compulsory registration. If you have any query about this, you may put down your query in the comment box, or you want to discuss anything with me, you may again use the same mode. Thank you very much for watching this video. Please do subscribe our channel. Please like this video. Thank you, friends.